हेलो एवरीवन, इस ट्यूटोरियल के माध्यम से ओजोन लेयर पे जितने भी सारे प्रश्न बनते हैं, जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, अभी तक के जितने भी सारे पीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं अलग अलग राज्यों में, यूपीएससी से लेकर अलग अलग राज्य स्तरीय जितने भी पीएससी लेवल के एग्ज़ाम हैं, उन सारे एग्ज़ामों में जितने भी सारे प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों का यहाँ पर सम्मिलन करके एक साथ श्रृंखलाबद्ध आ गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा ओजोन लेयर पे प्रश्न बनेगा ही नहीं। 20 से 20 के आसपास ये प्रश्न है, और ओजोन लेयर का जो भी कार्यक्रम है, ओजोन लेयर कैसे होता है, ओजोन लेयर सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में होता है, सबसे कम कौन से क्षेत्र में होता है, उसके क्या प्रभाव है, वो सारे चीज़ इसमें रखा गया है। सो शुरुआत करते हैं, लेट्स गो हैड टुगेदर विथ स्टेन क्वेश्चन नंबर 1। सर्वाधिक ओजोन में जो डिप्लेशन का होने का कारण है वो कौन से महाद्वीप के कारण होता है ओजोन में डिप्लेशन। इन ऑप्शनों में आप सभी को बताना है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, एंटार्कटिका। इसके वजह से सबसे ज़्यादा ओजोन में जो छिद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत में छिद्र होने से निम्न में से कौन सा सर्वाधिक प्रभाव होता है, आप सभी को बताना है इनमें से किस में सर्वाधिक असर होता है। एसिड रेन, स्किन कैंसर, बोन्स स्क्रेचेस या लो रेनफॉल। इसका आंसर है स्किन कैंसर। मुख्य वजह है ओजोन का जो डिप्लेशन होने से वहाँ के वातावरण में, वहाँ के लोगों को, वहाँ के मनुष्यों को स्किन कैंसर होने की खतरा सर्वाधिक बढ़ जाता है। ओजोन परत, क्वेश्चन संख्या 3 है, ओजोन परत निम्न में से किससे सुरक्षित रखता है। ओजोन परत जो सेव करता है वो किससे सुरक्षित करता है, आप सभी को बताना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अल्ट्रावायलेट रे। क्वेश्चन संख्या 4, ओजोन परत का जो रिक्तिकरण, जो होल होता है, छिद्र होता है, डिप्लेशन होता है, उसके लिए कौन सी मुख्य जिम्मेदार गैसें हैं इनमें से। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है, काफ़ी सारे एग्जाम में वर्षों से पूछा जा रहा है। आंसर है ऑप्शन डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वजह से ये होल होता है, डिप्लेशन होता है ओजोन लेयर में। क्वेश्चन संख्या 5, घरेलू रेफ्रिजरेटर में जो उससे प्रभावित होता है, वो प्रभावित करने वाला रेफ्रिजरेट जो होता है वो कौन सा एजेंट होता है, आप सभी को बताना है। आंसर है ऑप्शन डी, फ्रीऑन। ये एक शीतल, जो फ्रीज में जो होता है, जो शीतल पैदा करता है, ठंडा पैदा करता है, उसी के कारण होता है, उसका नाम है फ्रीऑन। क्वेश्चन संख्या 6, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में अवस्थित है। ओजोन परत कौन सी वायुमंडल के लेयर में उपस्थित है। आंसर है ऑप्शन ए, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, उसमें उपस्थित है। क्वेश्चन संख्या 7, वायुमंडल को, ओजोन परत पृथ्वी को किस प्रकार से रक्षा करता है। वायुमंडल में जो ओजोन परत है पृथ्वी को किस प्रकार से रक्षा करता है, क्वेश्चन हमेशा ये पूछा गया है। आंसर है ऑप्शन सी, जो परावैगनी, जो अल्ट्रावायलेट, जो रेडिएशन जो होता है उससे ये सेव करता है पृथ्वी को, जो सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होता है उससे ये सुरक्षित करता है पृथ्वी को, जिससे पृथ्वी के मनुष्य और जीव जितने भी है उन लोगों का लाइफ सेफ रहता है। क्वेश्चन संख्या 8, ओजोन परत की पृथ्वी से कितनी ऊंचाई है। आंसर है ऑप्शन सी, 20 किलोमीटर पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई पर स्थित है ओजोन लेयर। क्वेश्चन संख्या 9, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। आंसर है ऑप्शन सी, 16 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। संख्या 10, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन का जो पदार्थ है किसके प्रयोग में चर्चित है, इनमें से किस में प्रयोग में लाया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो जिससे ओजोन सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, सबसे ज़्यादा डिप्लेशन होता है, आप सभी को बताना है। ये भी प्रश्न काफ़ी अवसरों में पूछा गया है, काफ़ी सारे एग्जामों में। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1, 3 एंड 4, फोम बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है, और एरोशेल एजेंट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी, 1, 3 एंड 4। नाउ नेक्स्ट, मोनोट्रेल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है। आंसर है ऑप्शन बी, ओजोन लेयर से संबंधित है, आप सभी को याद रखना होगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन संख्या 12, सारे के सारे ओजोन पे ही है, ओजोन परत की मोटाई, जो थिकनेस जो है उसका मापने के लिए कौन सा इकाई है, यूनिट कौन सा है इनमें से। आंसर है डैप्सन। क्वेश्चन संख्या 13,
वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत निम्न में से कौन से विकिरण को अब्सॉर्ब करता है, कौन से विकिरण को अब्सॉर्ब कर लेता है? आंसर है ऑप्शन बी, अल्ट्रा वायलेट रेज को अब्सॉर्ब कर लेता है। क्वेश्चन संख्या 14, ओजोन परत कितने परमाणुओं से मिलकर बना होता है, कितने एटम से मिलकर बना होता है? आंसर है ऑप्शन बी, टोटल 3 एटम होते हैं, O3 बोला जाता है। क्वेश्चन संख्या 15, ओजोन परत का क्षरण सबसे कम निम्न में से कहाँ होता है, जो डिप्लेशन जो होता है ओजोन का निम्न में से कहाँ होता है, कौन से क्षेत्र में, ये आप सभी को बताना है। आंसर है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ओजोन का जो डिप्लेशन होता है सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा एंटार्कटिका क्षेत्र में होता है। नाउ नेक्स्ट, ये कुछ सब्जेक्टिव है, अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, PSC के एग्जामों में जो थ्योरी पेपर होता है उसमें पूछा जाता है और इसमें कुछ डिटेल दिया गया है, आप सभी को यहाँ पे समझना होगा। ओजोन परत क्या है एवं निर्माण कैसे होता है? आंसर है O3, 3 परमाणु से मिलकर बनता है। ये पृथ्वी के समताप मंडल में पाया जाता है। जब ऐसा प्रश्न आए तो आप सभी को ये सीधा ऐसे लिखना होगा। सूर्य की जो परावैगनी जो अल्ट्रा वायलेट रेज होता है उसको अवशोषित करके पृथ्वी को, मनुष्यों को और जीवों को रक्षा करता है। ओजोन लेयर, ओजोन का जो डिप्लेशन होता है वो उसके लिए मुख्य जो जिम्मेदार गैसें हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं कुछ और अन्य पदार्थों से होता है, लेकिन इसका मेन रोल होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ओजोन डिप्लेशन करने का। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप सभी को लिखना होगा, ओजोन परत का निर्माण होता है 2 परमाणु O2 विखंडित हो जाता है, जिससे अतिरिक्त यहाँ पे ऑक्सीजन परमाणु और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर O3 ओजोन का निर्माण करती है। तो ये पॉइंट आप सभी को लिखना होगा। नाउ नेक्स्ट, ओजोन परत रिक्त होने का कारण क्या है? ओजोन परत का रिक्त होने का, जो डिप्लेशन होने का कारण क्या है? आंसर है ये मुख्य गैसें हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोकार्बन एंड फ्रियोन। ये पूछ देता है हमेशा एग्जामों में कि इन ऑप्शनों में कौन सा जिम्मेवार नहीं है, जो ओजोन डिप्लेशन का, उसमें दे देगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन या फ्रियोन, उसमें एक एक्स्ट्रा दे देगा कोई। तो आप सभी को ये 4 पॉइंट्स को याद रखना होगा। क्वेश्चन संख्या 18, ओजोन परत में जो डिप्लेशन होता है उससे मनुष्यों पर क्या प्रभाव होता है? ओजोन परत में जो छिद्र होता है उससे मनुष्यों पे क्या प्रभाव होता है? तो यहाँ पे आप सभी को आंसर देना होगा, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, परावैगनी किरणें जो होती है, अगर ओजोन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अवशोषित करे तो समताप मंडल का तापमान बढ़ जाता है। एक्सेस जब अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य से निकलेगा, ज़्यादा यहाँ पर पोल्यूशन होगा, ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, ये काफ़ी सारे गैसें को अगर ये प्रयोग किया जाएगा पृथ्वी पे, तो उससे जो अल्ट्रावायलेट रेज जो सूर्य से निकलेगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जॉर्ब कर लेगा ये ओजोन लेयर। तो एक्सेस मात्रा में जब लेयर जो ऑब्जॉर्ब करता है तो वहाँ पे होल होने का खतरा, डिप्लेशन होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है और डिप्लेशन होने लगता है। ओके, जिसके कारण ओजोन में जो डिप्लेशन होता है उसके कारण मनुष्यों की वो त्वचा पर कैंसर, DNA पर प्रभाव, जो मनुष्यों को जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होता है बॉडी का वो कम हो जाता है, मोतियाबिंद जैसी बीमारियों का बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो ये कुछ मुख्य बिंदुए हैं यहाँ पे रखने को कोशिश किया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 19, ओजोन परत का निर्माण के लिए मनुष्यों को किस प्रकार योगदान करना चाहिए? ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है PSC के एग्जामों में। आंसर है पौधारोपण, प्लास्टिक का कम प्रयोग, प्रदूषण एवं मोटर गाड़ियों का कम प्रयोग करना, रेफ्रिजरेटर, AC का कम प्रयोग करना। ये बातें आप सभी को रखना होगा, ये प्रश्न हमेशा पूछ दिया जाता है, एक बार नहीं करीब 10 बार अलग अलग राज्यों के UPSC से लेकर काफ़ी सारे स्टेट लेवल के PSC एग्जामों में पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए। नाउ नेक्स्ट, ओजोन परत का जो डिप्लेशन जो होता है, जो होल जो बनता है, छिद्र का निर्माण होता है, उसको रोकने के लिए कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, कौन कौन सी एजेंसियां इसमें से जुड़ी, तो कौन कौन सा वो सम्मेलन हुआ, वो वैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और ये ऑप्शन में भी दे दिया जाता है कि इनमें से कौन सा ओजोन छिद्र निर्माण रोकने के लिए कार्यक्रम
नहीं जुड़ा हुआ है, तो ऐसे पूछ दिया जाता है। तो जो जुड़ा हुआ है, यहाँ पे उनका नाम मैं देना चाहूंगा। वियना सम्मेलन 1985 में हुआ ओजोन परत छिद्र निर्माण को रोकने के लिए, या ओजोन लेयर का जो निर्माण होता है, जो ओजोन लेयर बनता है उसको सुदृढ़ करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में इसे बनाया गया ओजोन लेयर को सेव करने के लिए। एक हेलसिंकी सम्मेलन 1989 में ये रखा गया ओजोन लेयर को सेव करने के लिए। तो ये कुछ मुख्य बिंदु है जो रहा ओजोन लेयर से संबंधित। मुझे उम्मीद है कि आपके सारे एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और इससे ज़्यादा ओजोन से जुड़े कोई प्रश्न बन नहीं सकता, और इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं गया है, क्योंकि जितने भी सारे ओजोन से प्रश्न पूछे गए हैं अब तक, वो सारा प्रश्न इसमें रख दिया गया है। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू अगेन विद सम न्यू नेक्स्ट अपडेट्स। हैव ए